मदरसे से उनका मौलवी संदेश देता है और वही कार्य पूरे देश में होते हैं जो ये हुआ है। मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगा, जब देश आज़ाद हुआ था और देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था, तो इन्होंने मुसलमानों ने एक टांग पाकिस्तान में और एक टांग अपनी यहाँ पे हिंदुस्तान में भी फंसा के रखी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे विश्व में 57 देश हैं, 57 देश में से मुस्लिम जो 57 देश हैं उनमें से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आबादी बढ़ाकर देशों को, सीरिया हो, ईरान हो, कई कंट्रियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कुछ सालों बाद अपनी आबादी बढ़ाने के बाद वहाँ पर मुस्लिम कंट्री उनको घोषित किया है। तो यही ये भारत में भी चाहते हैं, था वो चकनाचूर हो चुका है और ये चाहे कितने भी आज तैयारी कर लें, कितने भी ये धरने प्रदर्शन कर लें, कितने भी ये हिंसात्मक प्रदर्शन कर लें, जब तक हमारे देश में अच्छी सोच वाले बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी जैसे नेता बैठे हैं, बहन नुपुर शर्मा जैसी बैठी है, उन्होंने कुछ गलत कमेंट नहीं करा था, उन्होंने वही लिखा बोला जो उनकी कुरान में लिखा है, उनकी हदीसों में लिखा हुआ है, और अगर उनको गलत लगता है किसी ने कुछ बोल दिया है तो कोई बात नहीं, बैठ के उसका बात का जवाब बात होता है, बात का जवाब ऐसे पूरे देश में हमारी संपत्ति को नुकसान करके नहीं होगा और इसका हिसाब लिया जाएगा, इसका हिसाब देना होगा इन्हें, और नहीं होना चाहिए। क्यों भीख मांगते हो हमारे देश से? और अगर आपके साथ इतने ये 53 देश मुसलमान के हैं तो आप अपनी ट्रेन कराएं, फ्लाइट कराएं और जाएं वहाँ पर, किसने रोका है आपको? ये हिंदुस्तान है और यह शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। 1973 में ये कांग्रेस ने कानून चेंज करा, उन्होंने इसको क्या कहते हैं सेकुलर कंट्री घोषित कर दिया, उनके बाप की कंट्री है ये पिछली सरकारें जो थी उनका किया धरा है ये। अगर किसी मुसलमान की इतनी हिम्मत नहीं होती, ये जब हमारे देश में बंटवारे पे रुके थे, इनको यहाँ पे जगह मिली थी तो इसलिए नहीं मिली थी कि ये यहाँ पर आके अपना गजवाए हिंद का फॉर्मूला चलाएं और हमें बेवकूफ समझे हिंदुओं को। हम तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे, जहां जिस जगह जिस किसी को जवाब चाहिए वो जवाब देने के लिए हमारा देश तैयार है, और देश के नागरिक बन के रहेंगे तो इज्जत से रहेंगे, और देश के नागरिक नहीं बन के रहेंगे तो भिखारियों की तरह किसी देश के बॉर्डर पे खड़े होंगे जैसे रोहिंग्या खड़े हैं। अरे साथ हाथ बढ़ो आगे, देश को आगे उन्नति की बात करो। और रही बात पैगंबर की, जिसके बारे में नूपुर बहन ने अगर कुछ बोल दिया तो बैठो, बुलाओ अपने जितने भी आपके धर्मगुरु हैं, वो बैठें और साबित करें कि जो बात उन्होंने बोली है गलत है, या तो फिर कुरान को जो बात इन्होंने लिखी है उसको हटाया जाए उसमें से उन वर्ड्स को, या गूगल में अगर आप सर्च करेंगे चीज़ दिखती है वहाँ से हटाया जाए, जो चीज़ लिखी गई है वही चीज़ बोली गई है।